नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, जेके टायर्स, जेके पेपर्स और सुबेक्स। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मार्केट के इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या न्यूज चल रही है। तो जेके टायर की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो इन यहाँ पे इनके जो सीएमडी है उन्होंने कहा है कि वो इकोनॉमिक रिवाइवल और ग्रोथ देख रहे हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। ये इनकी आज की ही कमेंट्री थी 5 बजे की, तो ये एक अच्छी खबर है जेके टायर के लिए। और अगर मैं इनका रिजल्ट्स को एनालाइज करूं दोस्तों, तो इन्होंने करीब 44 करोड़ की प्रॉफिट को पोस्ट किया था, जबकि पिछले साल इन्होंने 204 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो ये यहाँ पे इनके रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, इसी वजह से ये स्टॉक में बीच में हमारे पास बहुत तेजी, हमें यहाँ पे देखिए कितनी तेजी हमें देखने को मिली थी। अब देखिए ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 146 आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपके पास देखिए दो स्टॉप लॉस रहेंगे लगाने के लिए। पहला स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे लगाइएगा 145 के पास, और अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो आप फिर 130 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। 130 से नीचे मत जाइएगा स्टॉप लॉस लगाने में, तो 146 या 130 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट हमारा रहेगा 165 का, और अगर उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर हम 190 तक के टारगेट्स को भी एम करके इस स्टॉक में चल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जेके पेपर को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो हायर डिमांड फ्रॉम पैकेजिंग बोर्ड फ्रॉम ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है तो वो पैकेजिंग और चीज़ों स्पेशलिटी पेपर्स को मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे जेके पेपर्स को ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है जैसे जैसे हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। इनकी मैं प्रॉफिट्स में बात करूँ तो इनके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 104 करोड़ की इन्होंने अब किया प्रॉफिट पोस्ट किया, पिछली बार मात्र 3 करोड़ के पास की प्रॉफिट पोस्ट की थी, तो 30 टाइम्स से भी ज़्यादा की इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट की थी। तो इनके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं एक बार और इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए 12 अगस्त को रिकॉर्ड डेट है, तो जेके पेपर्स के अगर आप डिविडेंड भी लेना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है, आप इनके 1 से 1.5% का डिविडेंड भी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ये स्टॉक ने आज 272 के ऊपर बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है, तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो क्योंकि ब्रेकआउट लेवल 272 था तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 270 का, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो 300 रुपये तक के रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस लेकिन मैं जरूर मेंटेन करके चलिएगा 270 के पास का, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है। आइए अब हम सुबेक्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने आशा सुब्रमण्यम को अपना न्यू CHRO बनाया है, जो मतलब HR का हेड बनाया है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस हुए हैं। लेकिन जो इनको लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है वो देखिए ये है कि इनकी जो प्रॉफिट है वो 11% कम हो गई इस क्वार्टर में। यहाँ देखिए 11% कम हो गई, केवल 13 करोड़ की रही, जबकि पिछली बार इन्होंने 15 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी। YOY बेसिस पे इनकी प्रॉफिट कम हो गई, और इसी वजह से देखिए ये स्टॉक आज हमारा करीब 9 से 10% से ज़्यादा की इसने फॉल दिखाई थी। बट अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका यहाँ पे देखिए एक बार दो बार तो 50 रुपये के आसपास इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 49 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन बना सकते हैं। जो हमारे दोस्तों पहला टारगेट रहेगा वो 63 का रहेगा, उसके बाद 75 के टारगेट्स को हम एम करेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में अभी बहुत ही बेहतरीन है, छोटा सा स्टॉप लॉस 49 का और 63 से 75 के बीच के टारगेट्स को। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।